भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बोल मिया मात की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोल सुत हनुमान की जय। मापति महादेव की जय। बोल दिवै सब संतन की जय। सनातन हिंदू धर्म की जय। ओ माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ये पाटीदारों का आवाज है। मंच पर उपस्थित हम सभी के बहुत ही लाडले उम्मीदवार और 13 तारीख को आपके आशीर्वाद से पूर्ण बहुमत के साथ जो यहां से विजयी होने वाले हैं, ऐसे हमारे महेश भाई हमारे टिप्पन्ना मजगी जी आप सभी के हमारे चहेते हमारे पाटीदार समाज के अध्यक्ष श्री भीमजी भाई पटेल श्री शांति भाई पटेल साथ में यहां पर उपस्थित तुलसी भाई पटेल प्रकाश भाई हमारे शरणु अंगड़ी जी सभी मंचासीन महानुभाव और यहां पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मुझे जब बताया गया कि पाटीदार समाज में सभा का आयोजन किया गया है और वहां पर वोट मांगने के लिए जाना है, तो मैंने कहा पाटीदार समाज दुनिया के किसी भी कोने में रहा तब भी वो मोदी जी के और बीजेपी के साथ है। मैं तो नागपुर में रहता हूं और मेरे नागपुर में बहुत बड़ा पाटीदार समाज है, पाटीदार समाज के भवन है और सारे पाटीदार बीजेपी के। और आजकल पिछले कुछ सालों से मुंबई में रहता हूं तो मुंबई में भी सारे पाटीदार बीजेपी के। तो हम तो ये समझते हैं कि पाटीदारों को बीजेपी से कोई अलग ही नहीं कर सकता, बीजेपी है तो पाटीदार है और पाटीदार है तो बीजेपी है। आज हम सब लोग बहुत खुशनसीब हैं कि भारत को प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में एक ऐसा नेता मिला है जिस नेता ने 9 साल में भारत का चित्र और चरित्र दोनों बदल कर दिखाया। देखिए सबसे बड़ा बदलाव अगर मोदी जी ने भारत में लाया होगा तो भारत की डिलीवरी सिस्टम को मोदी जी ने बदला है। आप याद कीजिए एक जमाना था जब भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी हुआ करते थे और राजीव जी कहते थे मैं अगर दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते हैं, 85 पैसे भ्रष्टाचार में करप्शन में समाप्त हो जाते हैं। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने और मोदी जी ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा। मोदी जी ने कहा दिल्ली से 1 रुपया भेजूंगा तो गली तक 1 रुपया ही जाएगा, कोई दलाल उसमें से 5 पैसा भी नहीं खा पाएगा। और आप देखिए मोदी जी ने सबसे पहले गरीबों के बैंक के खाते खुलवाए। जब बैंक के खाते खुल रहे थे तो एक कांग्रेसी बोल रहे थे कि बैंक के खाते खुलने से थोड़ी गरीबी दूर होगी, इसका क्या फायदा है।
उनको पता ही नहीं था कि उनका फायदा समाप्त होने वाला है और गरीबों का फायदा होने वाला है, क्योंकि उस बैंक अकाउंट के साथ आधार कार्ड जुड़ गया और मोबाइल जुड़ गया और एक ऐसी व्यवस्था तैयार हुई कि देश के अंदर गरीब कल्याण का एजेंडा शुरू हुआ। गरीबों को घर मिले, गरीबों को शौचालय मिले, गरीबों को गैस सिलेंडर मिला, गरीबों के घर बिजली आई, गरीबों के घर पानी आया, महिलाओं को पेंशन मिला, मजदूरों को पेंशन मिला, किसानों को किसान सम्मान योजना मिली। पर ये सारी योजनाएं मिलते हुए किसी भी बेनिफिशियरी को एक रुपया भी किसी को नहीं देना पड़ा। इससे पहले सरकार की योजना आती थी तो ये होता था कि सरकार की योजना में कोई न कोई बीच में होता था। पहले पेंशन आता था तो सरकार का जो बाबू होता था वो कहता था थोड़े मेरे भी रख दो तब तुमको पेंशन मिलेगा। लेकिन मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था की, देश में करोड़ों लोगों को बेनिफिट मिला लेकिन एक रुपया भी किसी को नहीं देना पड़ा। मोदी जी दिल्ली से बटन दबाते हैं और हुगली धारवाड़ जिले के किसान के खाते में सीधे पैसे आते हैं, कोई बीच में नहीं है, कोई बीच में नहीं है। तो अरे भाई आवाज कम रख, कम रख, मेरा आवाज वैसे ही बड़ा। तो मोदी जी ने एक ऐसी व्यवस्था इस देश के अंदर कायम की कि जिसके कारण लोगों को चीजें मिलने लगी। आप विचार कीजिए, इंदिरा जी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ का, कांग्रेस में जो प्रधानमंत्री बनता था वो गरीबी हटाओ का नारा देता था। गरीबी हटी लेकिन कांग्रेस के नेताओं की हटी, जनता की गरीबी नहीं हट पाई। गरीबों के नाम पर इन्होंने इतनी योजनाएं तैयार की और सारी योजनाएं अपने रिश्तेदारों को दे दी, कोई योजना गरीबों तक नहीं पहुंची। पहली बार देश के अंदर गरीबों के लिए योजनाएं तैयार होती है तो गरीबों तक जाती है। देश का गरीब भी आज ये मानता है कि अगर कोई मेरा मसीहा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी, ये गरीबों के मसीहा है। ये देश के अंदर एक परिवर्तन मोदी जी ने लाए। आज देखिए, इस देश में मोदी जी ने जीएसटी लाए। क्या कहते थे कांग्रेस वाले, कहते थे जी 40-50 देशों में जीएसटी फेल हो गया, ये भारत का भट्टा बैठाएंगे, भारत का बंटाधार होगा, भारत समाप्त हो जाएगा, ये जीएसटी भारत को खत्म कर देगा। लेकिन इस प्रकार से जीएसटी को मोदी जी ने लागू किया कि आज हमारे देश में पिछले वर्ष 18 लाख करोड़ रुपया जीएसटी में हमने जमा किया। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2014 में जब मोदी जी आए थे तो देश का पूरा बजट ये 15 लाख करोड़ का होता था, अब तो केवल जीएसटी 18 लाख करोड़ का आ रहा है और देश का बजट 15 लाख करोड़ से 45 लाख करोड़, यानी 3 गुना देश का बजट ये मोदी जी ने बढ़ाया। तो हम लोग एक टैक्स कंप्लायंट सोसाइटी की ओर चले गए और ये जो सारा पैसा जमा हुआ ये पैसा देश के कल्याण में मोदी जी ने लगाया। आप देखिए, अगर हम लोग कर्नाटक का भी विचार करें, कितने हाईवेज बने हैं, कितने रोड, कितने ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, सारी चीजें बन रही है। देश के अंदर मोदी जी के आने से पहले 1.5 लाख करोड़, 1,50,000 करोड़ इतना ही पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा होता था। आज 11 लाख करोड़ रुपया हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे हर साल खर्च कर रहे हैं, यानी 12 गुना ज्यादा पैसा, 12 टाइम्स मोर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग कर रहे हैं। और इसके कारण देश में रोजगार तैयार हो रहा है, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्चा होता है, लोगों के लिए अगर घर बनता है तो उसके लिए सीमेंट चाहिए, उसके लिए ईंटें चाहिए, उसके लिए लोहा चाहिए, उसके लिए बेसन चाहिए, हर एक को काम मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण 32 इंडस्ट्री को काम मिलता है और उसके कारण देश में रोजगार की निर्मित होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सब लोग विचार कीजिए,
आज हम सारे लोग यहां पर बैठे, डेढ़ पौने दो साल पहले क्या हम सब लोग ऐसा बैठ सकते थे? कोरोना के प्रकोप के कारण हमारी अवस्था ऐसी थी कि घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, अपने रिश्तेदारों के घर जाना भी चोरी थी, और लोग ये सोचते थे कल क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, कोरोना हो गया और हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली तो क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा, बूढ़े माँ बाप को कोरोना हुआ तो उनको मैं कैसे बचाऊंगा, इस प्रकार का विचार हम लोगों को तकलीफ देता था। लेकिन इस देश के अंदर मोदी जी ने चमत्कार किया, दुनिया में केवल 5 देश वैक्सीन तैयार कर पाए, उन 5 देशों में भारत ऐसा देश निकला जिसने अपना खुद का वैक्सीन भारत में तैयार किया। आप विचार कीजिए, अगर भारत और मोदी जी वैक्सीन तैयार नहीं करते तो हम अमेरिका और ब्रिटेन के सामने हाथ फैलाकर खड़े होते, हमको वैक्सीन दे दो, हमको वैक्सीन दे दो, और वो कहते लाइन में खड़े हो जाओ, पहले हमारे लोगों को वैक्सीन देंगे, बाद में आपको वैक्सीन मिलेगी। करोड़ों करोड़ों लोग मर जाते लेकिन हमको वैक्सीन नहीं मिलती। मोदी जी ने वैक्सीन केवल तैयार की इतना ही नहीं, तो आप देखिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अंडमान तक एक ही दिन में सारे गांव में वैक्सीन जाती थी। और ये वैक्सीन ऐसे नहीं भेज सकते थे, कोल्ड चेन में भेजनी पड़ती थी, क्योंकि थोड़ा टेम्परेचर बढ़ गया तो वैक्सीन खराब हो जाती थी। 3 लाख कोल्ड चेन का निर्माण करके देश के 6 लाख गांवों में एक साथ वैक्सीन को भेजकर 130 करोड़ लोगों को मोदी जी ने सीधी वैक्सीन 2 बार लगाई तो कोरोना समाप्त हुआ और हम सब लोग यहां पर बैठे हुए हैं और एक साथ भारत माता की जय के नारे लगा पा रहे हैं। और देखिए, आप देखिए हमारी वैक्सीन भी कितनी इफेक्टिव है, क्योंकि अभी 3 महीना पहले यूरोप में लॉकडाउन लगा, अभी 1.5 महीना पहले चाइना में लॉकडाउन हुआ, तो बाकी जगह लॉकडाउन वापस करना पड़ा, भारत में नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमारी वैक्सीन के कारण। उसके बाद कोरोना आया भी तो 3 दिन का बुखार लेकर आया, उससे ज्यादा कोई मरा नहीं, लोगों को बचाने का काम मोदी जी ने किया। लेकिन इतना ही नहीं, तो कोरोना के समय तो गरीबों को अनाज देकर उनके खाते में पैसा देकर मोदी जी ने बचाया, लेकिन कोरोना के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था तहस नहस हुई। आप देखिए कोरोना के बाद अमेरिका में रिसेशन है, कोरोना के बाद ब्रिटेन में मंदी है, पूरे यूरोप में मंदी है, जापान में मंदी है, चाइना में मंदी है, और हमारे बाजू के राज्यों की तो हालत ऐसी है, श्रीलंका में खाने के लाले पड़े और पाकिस्तान में 250 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया, और गेहूं के लिए भाई भाई से लड़ रहा है, ये पाकिस्तान की हालत हो गई। दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं तहस नहस हुई, लेकिन मोदी जी ने भारत में कोरोना के तुरंत बाद 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिया। इसके कारण छोटे उद्योगों को मदद मिली, उनमें कैपिटल का इन्फ्यूजन किया, डिमांड क्रिएट की, किसानों को मदद की। परिणाम यह हुआ कोरोना के बावजूद भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था ये भारत की अर्थव्यवस्था बनी, और कोरोना के बाद दुनिया के अर्थशास्त्री कहते थे अब भारत को मंदी का सामना करना पड़ेगा, भारत ने मंदी के लिए तैयार होना चाहिए, लेकिन मोदी जी ने भारत में मंदी नहीं आने दी, भारत लगातार काम कर रहा है, ये हम लोगों ने देखा है। अभी अभी मुझे चिट्ठी मिली है कि मोदी जी यहां पर भी आकर गए, तो हमारा भी सौभाग्य है कि मोदी जी जहां पर आकर गए वहां आने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ, ये भी हमारा भाग्य मैं मानता हूं। तो इस प्रकार से इस देश को मोदी जी ने यहां पर बाहर लाने का प्रयास किया, और आज हम लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार से भारत प्रगति कर रहा है, आज दुनिया के देशों ने तय किया है, देखिए 30 साल तक चाइना ये दुनिया के फैक्ट्री के रूप में काम कर रहा था, लेकिन अब दुनिया को ध्यान में आया कि चाइना की फैक्ट्री काम करने वाली नहीं है,
ये लोग कोरोना के समय जिस प्रकार का व्यवहार हुआ और दुनिया को ठप करने का काम चाइना ने किया, अब दुनिया की इंडस्ट्री चाइना से बाहर निकलना चाहती है और बाहर निकलते समय दुनिया की इंडस्ट्री एक ही देश की ओर देख रही है, वो हमारा भारत देश है। वो मानती है कि केवल भारत ऐसा देश है जहां निवेश करने की आवश्यकता है, और इसलिए आज कोरोना के बाद रिकॉर्ड एफडीआई ये भारत में आ रहा है, और रिकॉर्ड एफडीआई भारत में आते समय कर्नाटक में और महाराष्ट्र में वो आ रहा है, ये भी हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर देखने को मिलती है। तो अगर हम लोग देखें तो भारत को परिवर्तित करने का काम ये मोदी जी ने किया है, और इसके साथ साथ भारत कितना मजबूत देश बना ये आप लोग इस बात से समझ सकते हो कि मोदी जी G20 के प्रेसिडेंट बने, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक समय ऐसा था हमारे मनमोहन सिंह जी बहुत अच्छे आदमी थे, भले आदमी थे, प्रामाणिक आदमी थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो जाते थे तो दुनिया के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के फोटो में मनमोहन सिंह जी दिखाई नहीं पड़ते थे, क्योंकि उनको पीछे में जगह मिलती थी, उनको ढूंढना पड़ता था। अब परिस्थिति यह है, मोदी जी खड़े होते हैं और सारे दुनिया के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर उनसे हाथ मिलाने को लाइन लगाते हैं, और आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि मोदी जी किसी प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं और पीछे में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन खड़े हैं कि कब मोदी जी पलटे और कब मैं उनसे हाथ मिलाऊं, और मोदी जी के पलटने के बाद जो बाइडन उनसे हाथ मिलाते हैं, ये भारत की ताकत ये मोदी जी ने तैयार की है। इसलिए आज मोदी जी के साथ हमारा राज्य भी चलना चाहिए। सरकार जब डबल इंजन की होती है तो गाड़ी पटरी पर तेजी से भागती है। हमने देखा कि देश के जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, उन राज्यों ने मोदी जी के एजेंडे को रोकने की कोशिश की। मोदी जी को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन कोशिश की गई, उसको लेट कैसा किया जाए, उसको डिरेल कैसा किया जाए, उसको डिले कैसा किया जाए, इसका प्रयास हुआ। और वही कर्नाटक जैसे राज्य में आज हम लोग देखते हैं कि डबल इंजन की सरकार थी तो मोदी जी ने 6,000 रूपया भेजा तो कर्नाटक सरकार ने भी 4,000 रूपया दिया, तो 10,000 रूपया हमारे किसानों को मिल गया। आज हम लोग देखते हैं कर्नाटक में इतने बड़े पैमाने पर रेलवे लाइन बिछ रही है, इतने बड़े पैमाने पर रोड्स बन रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। तो डबल इंजन की सरकार जिस ताकत से काम करती है, आज डबल इंजन की सरकार के कारण कर्नाटक में 55 लाख गरीबों को शौचालय मिले, डबल इंजन की सरकार के कारण 45 लाख घरों में पानी पहुंचा, 45 लाख घर यानी 2 करोड़ लोगों को शुद्ध पीने का पानी ये डबल इंजन की सरकार ने कर्नाटक के अंदर दिया, 25 लाख लोगों को उनका आशियाना, उनका अपना घर मिला, क्योंकि कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार थी। तो डबल इंजन की सरकार ये बहुत जरूरी है, और आप सब लोग जानते हैं कि एक और जो सरकार है मोदी जी की है, अब मोदी जी का इंजन और दूसरा बुम्बई जी का इंजन, ऐसी डबल इंजन की एक गाड़ी बड़ी तेजी से दौड़ रही है, और उसमें अगर महेश जी की बोगी लग गई तो गाड़ी कितनी तेजी से आगे जाएगी, और अगर गलती से महेश जी की जगह कांग्रेस की बोगी लग गई क्या होगा? अरे महेश जी की बोगी लगेगी तो गाड़ी मोदी जी के और बुम्बई जी के साथ ये बेंगलुरु जाएगी, और कांग्रेस की बोगी लगेगी तो हैदराबाद की ओर जाएगी, यानी विकास की गाड़ी बेंगलुरु की तरफ और कांग्रेस की बोगी हैदराबाद की तरफ, तो विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए इस इंजन, अच्छा ये इंजन मामूली नहीं है, अभी ये नए भारत का इंजन है, ये वंदे भारत ट्रेन का इंजन है जो भारत में बनी है। पुरानी ट्रेनें जो बाहर बनती थी या हमारे यहां बनती थी 80 की स्पीड से दौड़ती थी, अब 140 की स्पीड से दौड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन मोदी जी ने भारत में ही बना दी, और उसका इंजन मोदी जी के पास है। तो इतनी तेजी से दौड़ने वाली ट्रेन के साथ महेश भाई का इंजन तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए महेश भाई ये आप में से एक है,
ये सामान्य लोगों में से एक व्यक्ति है, ये केवल नेता नहीं, ये कार्यकर्ता है, मैंने इनका काम देखा है, ये लोगों में रहने वाले हैं, ये लोगों के साथ मिलने वाले हैं, ये लोगों के लिए अपना खून पसीना एक करने वाले इस प्रकार के उम्मीदवार हैं। देखिए वो नेता तो है लेकिन गुण सारे कार्यकर्ता वाले उनमें, इसलिए हमको नेता की जगह कार्यकर्ता चुनना है। नेता तो हाथ दिखाकर चले जाते हैं, कार्यकर्ता अपने सुख दुख में बैठते हैं, ऐसे सुख दुख में बैठने वाला कार्यकर्ता आज उम्मीदवार के रूप में हमको मिला है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस ट्रेन में हमारे मेयर जी की बोगी जुड़ने ही वाले हैं। बस आपको इतना ही निवेदन करता हूं कि ध्यान में रखिए, इस चुनाव में हमको ये भी दिखा देना है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर ये मोदी जी के साथ है, ये पार्टी के साथ है, व्यक्ति के साथ नहीं है, ये मोदी जी को मानता है। कोई कहीं रहे कहीं चला जाए, हमारा पाटीदार समाज और भारतीय जनता पार्टी का वोटर ये मोदी जी की ओर देखता है और कमल का बटन दबाता है। तो इतना ही निवेदन करता हूं, जैसा महेश भाई ने बताया, आप लोग वोट तो देने वाले हो लेकिन कई बार क्या होता है, हमको लगता है जीतने वाले हैं तो फिर कई बार थोड़ा आलस आ जाता है, कुछ लोग बाहर चले जाते हैं। एक एक वोट बहुत जरूरी है और इसलिए भी जरूरी है कि चुनाव ये केवल एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, तो इस चुनाव से हमें उन शक्तियों को, उन नापाक इरादों को यहां पर जवाब देना है जो भारत में रहकर ये कहते हैं कि हम बजरंग दल के ऊपर बैंड लगाएंगे। ये देखिए इनकी नियत क्या है, ये राहुल गांधी की नियत देखिए, दिल्ली की यूनिवर्सिटी में जब नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, तो राहुल गांधी वहां जाकर उनसे गले मिलते हैं। और यहां पर बजरंग दल का अपराध क्या है, तो बजरंग दल ने जय श्री राम कहा यह अपराध है, बजरंग दल ने भारत माता की जय कहा यह अपराध है, बजरंग दल ने इस देश में रहना है तो राष्ट्रवाद की बात करनी पड़ेगी ये कहा यह अपराध है। तो अब उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा जिनको भारत माता की जय से डर लगता है और भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार कहने वालों से प्रेम लगता है, ऐसे लोगों को जवाब देने का ये चुनाव है। और इसलिए इस चुनाव में अपने भीतर के बजरंग बली को आपको जागरूक करना है। आपको पता है बजरंग बली की ताकत उनको पता ही नहीं थी, बजरंग बली भूल गए थे, और जब उनको बताया कि भाई आप लंका जाओ तो बोले कैसे जाएंगे, तो उनको याद दिलाया कि बजरंग बली आप जब छोटे थे आप में इतनी ताकत थी कि आप सूरज को निगलने के लिए सूरज की तरफ चले गए थे, इतनी ताकत आप में। और ये जैसे बजरंग बली को बताया, बजरंग बली ने ऐसी छलांग लगाई, सीधे लंका पहुंचे और पूरी लंका को जलाकर खाक करके बजरंग बली वापिस आए। ऐसे ही 10 तारीख को आपके भीतर के बजरंग बली को आपको जागरूक करना है, और जो बजरंग दल पर बैन करने का इरादा रखते हैं उनकी लंका को जलाकर ही आपको वापस आना है। उनकी लंका को जलाने के लिए कमल का बटन दबेगा, उनकी लंका जलेगी, कमल का बटन दबेगा तो मोदी जी को वोट मिलेगा, कमल का बटन दबेगा तो कांग्रेस को शॉक लगेगा। तो कांग्रेस को शॉक दीजिए, मोदी जी को वोट दीजिए, महेश भाई।